सच पूछो ना तो मैं तो इस रिश्ते के हक में बिल्कुल भी नहीं थी। अरे आप खुद सोचें, एक अगवाशुदा लड़की को भला कौन अपने घर की इज्जत बनाएगा। फिर मेरे अनवर ने समझाया कि अम्मा मजलूम बच्ची है, आप इज्जत से इसके सर पे हाथ रखेंगी ना तो जिंदगी भर आपकी मशकूर रहेगी। अरे ये तो आपका बड़कपन है कि आपने हमारी इतनी इज्जत अफजाई फरमाई, वरना हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि नगीन के लिए इतना अच्छा रिश्ता आएगा। अरे भाई तो फिर नेक काम में देर कैसी, बिस्मिल्लाह करो। अरे लो निगो भी आ गई, सलाम करो भाई। क्या है ये सब? ये समोसे, गुलाब जामुन और ये बिस्कुट और निम्को। अरे तुम तो इन लोगों को जानती हो, है ना? बहन ने बताया होगा तुम्हें। ये अपने अनवर के लिए तुम्हारी बात पक्की करने आई हैं। पक्की क्या करने आई हैं, पक्की तो हो गई, बस अब आने वाले जुम्मे को इंशाल्लाह तुम्हें सादगी के साथ रुख्सत करके ले जाएंगे। ये इस खुशी में मीठा कर दूं। शुगर फ्री है? मशरी की बच्ची शर्मा गई, बाहर से आई है ना, जो तू तो मीठा कर ले भाई। अरे खा अच्छी तरह खा। मैंने कहा बाकी को तफसीलात भी तय कर लो ना, टाइम में क्या करना है। अच्छा तो अब जुम्मे का टाइम क्या होगा? नमाज के बाद मेरा ख्याल। नगीन आपने मुझसे बगैर पूछे उस जाहिल इंसान के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया। आहिस्ता बोलो नगीन, वो लोग अभी अंधे ही हैं। अंधे हैं तो क्या करूं? आपको क्या लगता है मैं राशिद भाई की बात मानकर इसके साथ रिश्ता कर लूंगी? कभी नहीं। नगीन पहले बात कुछ और थी, अब कुछ और है। हाँ भी अगर अनवर इस दुनिया का आखिरी शख्स भी हुआ तब भी उससे मैं शादी नहीं करूंगी। कोई भी मर्द 100% दुरुस्त नहीं होता, तुम शादी के बाद उससे सुधार सकती हो। ये आप कैसी बात कर रही हैं? आप तो खुद इस रिश्ते के खिलाफ थी ना? तब हालात और थे, अब और। आप क्या चाहते हैं कि मैं एक जहन्नम से निकल के दूसरे जहन्नम में चली जाऊं? अभी तो इतने बड़े तूफान से निकली हूँ वहां पे, थोड़ा सा तो रहम करें मुझ पर। वो तूफान भी तो तुम्हारा लाया हुआ था। मेरे लाख मना करने के बावजूद तुमने ये नौकरी की, बस मैं जाते ही उस अमीर ज़ादे से दोस्ती की। अगर तुमने ये सब कुछ ना किया होता तो आज हालात और होते ना। अब सारी जिंदगी अपनी बर्बादी का मातम मनाती रहो। ये आपकी जुबान नहीं, ये सुल्तान दुरानी के पैसे की जुबान, इन लोगों की जुबान है। मुझे मालूम नहीं था कि हालात हमें इस मोड़ पे ले आएंगे। बहुत मजबूर हूँ नगीन, मुझे राशिद ने धमकी दी है कि अगर मैंने तुम्हारा साथ दिया तो मुझे बच्चों को घर से निकाल देंगे। अब उनकी बीवी है और वो उन्हीं के बच्चे हैं, तो अपने बच्चों को और अपनी बीवी को क्यों घर से निकालेंगे? मुझे माफ कर दो नकीन, मैंने तुम्हारा बहुत साथ दे दिया है लेकिन मैं मजबूर हूँ।